मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा 10th इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चे, इसके पहले हमने आपके जो टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 जो था नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के पार्ट 1 और पार्ट 2 समझे थे। और बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 3। सबसे पहले आप अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लें और उससे हम समझेंगे पार्ट 3। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। बट In a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. A twilight existence of secrecy and rebellion. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. अब यहाँ पर मंडेला जी जो बता रहे थे क्या था कि वो सबसे पहले अश्वेत राष्ट्रपति यानी ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका के नियुक्त हुए थे, जबकि 3 शताब्दियों के श्वेत शासन के बाद वो पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। तो उन्होंने उसके बारे में बताया कि उनके वो बताते जा रहे थे कि किस प्रकार उन्होंने संघर्ष किया और इस लेवल पर पहुँचे कि आज राष्ट्रपति नियुक्त हुए। उसी बीच में वे बताते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 2 दायित्व होते हैं। कौन कौन से दायित्व होते हैं? तो पहला टू हिज फैमिली, उसके परिवार के प्रति, उसके अपने माता पिता के प्रति, उसका अपनी पत्नी के प्रति और उसका अपने बच्चों के प्रति। ये पहला दायित्व हो गया। दूसरा दायित्व हुआ कि वो अपने लोगों के प्रति जो उसके हैं, उसकी कम्युनिटी, उसके जो समाज में है उनके प्रति उसका दायित्व, हिज कंट्री उसके देश के प्रति उसका दायित्व। अर्थात जब भी हम बात करें तो एक सभ्य समाज में, जबकि एक सभ्य समाज जो कहलाता है, उन सब के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपनी पसंद और अपनी योग्यताओं के अनुसार अपने लायबिलिटीज़ या अपने दायित्वों को पूरा कर पाता है। किंतु क्या होता है कि दक्षिण अफ्रीका के जैसे जो देश है वहाँ पर लगभग ये असंभव प्रकार की चीज़ है। क्यों है? क्योंकि आप सबको मालूम है कि वहाँ पर रंग भेद की नीति का शिकार रहे हैं। तो यदि उनके समान जन्म और वर्ण यानी उनके समान जब जन्म हुआ, उनके जैसे वर्ण यानी कलर, जैसे कि वो अश्वेत थे, इस प्रकार का व्यक्ति अगर वहाँ रहता तो वो दोनों प्रकार के जो दायित्व हैं उनको निभाना उसके लिए असंभव हो जाता। क्यों? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में जो अश्वेत, जो कृष्ण वर्ण माना जाता है, वो अगर मानव के जीवन को सभ्य रूप से जीने की कोशिश भी करता था तो उसको सजा दी जाती थी, उसको अलग थलग कर दिया जाता। क्योंकि अगर वो व्यक्ति अपना कर्तव्य अपने लोगों के प्रति करने की कोशिश करेगा तो उसको बिल्कुल अनिवार्य रूप से अपने परिवार और घर से वंचित कर दिया जाएगा, उसे अलग रखा जाएगा और उसका जीवन कैसा हो जाता है? उसका जीवन अपने आप में रहस्यमय और विद्रोही किस्म का हो जाता है। जब नेल्सन मंडेला जी ने कहा कि मैं शुरुआत में मैंने अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं रखा, किंतु मैंने अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश की गई, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक पुत्र के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता और एक पति के रूप में अपने दायित्वों को, अपनी लायबिलिटीज़ को पूरा करने से रोका गया। मतलब वहाँ पर इस प्रकार की स्वतंत्रता उनको नहीं दी गई कि वो अपने जो लाइबिलिटीज़ या दायित्व हैं उनको पूरा कर सकें। नेक्स्ट देखें बच्चों। आई वॉज नॉट बोर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बोर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो,
free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that run through my village, free to roast meals under the stars and ride the broad backs of slow-moving bulls. As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. अब क्या देखा है इन्होंने कि जब भी मैं ऐसा नहीं हुआ था, मेरी ऐसी इच्छा नहीं थी कि मैं स्वतंत्र होने की इच्छा के साथ पैदा हुआ. नहीं, मैं तो मनुष्य था, मैं स्वतंत्र ही पैदा हुआ. हर इंसान जो पैदा होता है वो कैसा होता है? स्वतंत्र पैदा होता है, हर तरह से आज़ाद. जैसे मैं कैसे स्वतंत्र था कि मैं अपनी माँ की झोपड़ी के आसपास फ्रीली मूव होने के लिए, स्वतंत्रतापूर्वक दौड़ने के लिए आज़ाद था. मैं मेरे गांव से जो नाला निकलता, जो झरना निकलता, उसमें तैरने के लिए आज़ाद था. मैं तारों भरे खुले आकाश में जो मक्के के भुट्टे के दाने होते उनको भूनने के लिए आज़ाद था. मैं मंद गति से चलने वाले बैलों पर सवारी करने के लिए भी स्वतंत्र पैदा हुआ था. यानी कि मैं कैसा था? मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था, यह मेरी इच्छा नहीं थी. जब तक मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करता रहा, अपने कबीलाओं की परंपराओं का पालन करता रहा, मुझे कभी भी ईश्वर या मानव के नियमों का पालन करने में कष्ट का अनुभव कभी नहीं हुआ. मैं हमेशा अपने आप को स्वतंत्र ही महसूस करता रहा. नेक्स्ट देखें बच्चों. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedom of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I chose. Later, a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं नेल्सन मंडेला कि जब मैं बचपन में जब मैं पैदा हुआ तो मुझे स्वतंत्र लगता था कि मैं माँ की झोपड़ी के आसपास हो सकता था, घूम सकता था, मैं गांव के बहने वाले नाले या झरने में तैर सकता था, मैं स्वतंत्र खुले आसमान के तारों भरी रात के नीचे मकई के भुट्टे को भूंज के खा सकता था, ये सब मैं कर सकता था. लेकिन जैसे ही मैं बड़ा हुआ, मेरी बॉयहुड की एज आई, मतलब टीन एज आई, ये स्वतंत्रता मेरे लिए कैसी थी? एक इल्यूजन की तरह थी. एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया था उसने. जब मैंने देखा कि नहीं, एज ए यंग मैन मुझे अपनी जो मेरी स्वतंत्रता है वो तो कहीं ना कहीं समाप्त हो चुकी है, फिर उनको ये लगने लगा कि नहीं, ये तो एक भ्रांति है. मैं जिस स्वतंत्रता की कल्पना कर रहा हूँ ये तो एक भ्रांति है. तब मुझे एक यंग नौजवान बॉय के तरह घूमने की स्वतंत्रता चाही गई. मैंने फिर सोचा नहीं, मुझे इस चीज़ की स्वतंत्रता की आवश्यकता है. पहले मुझे एक विद्यार्थी के रूप में पढ़ने की स्वतंत्रता की आशा लगी, फिर इसके बाद मुझे रात में घूमने की आशा लगी. मैं पढ़ता गया और जहाँ भी जाता था वहाँ जाने की आज़ादी मुझे लगी. धीरे धीरे जब मैं जोहान्सबर्ग में था तब मुझे बेसिक फ्रीडम के, जो स्वतंत्रता के जो बेसिक लक्षण रहते हैं कि कहाँ जाना, अपने आप में अभिव्यक्ति करना, एक नवयुवक के रूप में जोहान्सबर्ग में मैंने अपनी पूरी क्षमता को अपने जीवन को चलाने के लिए, और जब एक एज ऐसी आती है ना कि अब आपको अर्निंग भी करना पड़ती है, तो धन अर्जित करने के लिए, फिर उसके बाद विवाह करने के लिए, परिवार के लिए, इन सब चीज़ों के लिए फ्रीडम महसूस की आवश्यकता मैंने की. इसके बाद एक कानूनन बाधा रहित जीवन के लिए, मूलभूत एवं सम्मानजनक आज़ादी के लिए भी मैंने क्या है, स्वतंत्रता महसूस की. मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है. नेक्स्ट देखें बच्चों. But when I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free, I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger of my own freedom became a greater hunger for the freedom. यहाँ पर देखो ये
सारे श्वेत और अश्वेत के रंगभेद नीति को समाप्त करने की बात की जा रही है। अब मंडेला जी बोलते हैं कि धीरे धीरे मैंने देखा कि मैंने अभी अपनी आज़ादी, अपनी स्वतंत्रता की बात की, लेकिन मैंने देखा कि मेरी ही तरह मेरे भाई बहन जो अन्य हैं वो भी मेरी तरह फ्री या स्वतंत्र नहीं थे। तब धीरे धीरे जो मेरी स्वतंत्रता प्राप्ति की जो भूख थी वो और बड़ी होती गई, और तब उसके कारण मैंने क्या ज्वाइन किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि मैं एक ऐसे समुदाय या समूह से जुड़ना चाहता था जिससे जो मेरी स्वतंत्रता की भूख है वो सबकी स्वतंत्रता की भूख बने और इस प्रकार से एक बड़ी स्वतंत्रता की भूख जो है कुछ परिवर्तन ला सके। नेक्स्ट देखें बच्चों, ऑफ माई पीपल, इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। मतलब उन्होंने कहा कि ये जो स्वतंत्रता की भूख थी अब मेरी ना हो करके मेरे जैसे अन्य भाई बहनों की भी हो गई, और मैं चाहता था कि उनको उतना ही इतनी डिग्निटी उनकी उतनी ही आत्मसम्मान से उनको जीवन प्राप्त हो। तो इस प्रकार की जो भूख थी, कहते ना बेटा जब किसी चीज़ की आपके अंदर जिज्ञासा होगी तब आप उस चीज़ के लिए कार्य करना आरंभ करेंगे, बिना जिज्ञासा और बिना भूख के आप कोई कार्य नहीं कर सकते। तो ये स्वतंत्रता प्राप्ति की जो भूख थी तो उन्होंने कहा मेरे जैसे डरे हुए नौजवान को भी इसने क्या बना दिया, बहुत साहसी बना दिया। मतलब पहले जब मैं डरता था, संकोच करता था, और अब मैं साहसी बन चुका था। दैट ड्रोव अ लो अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इन टू अ मैन विदाउट अ होम दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लाइफ Like a monk, I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man. But I found that I couldn't even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. The chains of on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. अब यहाँ पर मंडेला जी का ये भी कहना है कि उस प्रकार की जो भूख थी उसने क्या कर दिया, उनको बहुत मजबूत और साहसिक बना दिया, जिसने एक कानून का पालन करने वाले को एक अपराधी बना दिया, क्योंकि वहाँ जो श्वेत लोगों के कानून थे अब मंडेला जी उसको फॉलो नहीं करते थे, क्योंकि वो कानून कैसे थे, रंगभेद नीति के तहत बने हुए थे, तो वह एक अपराधिक साबित हो गए। उनके इस स्वतंत्रता की भूख ने उनको परिवार से प्रेम करने वाले पति को कैसा बना दिया, बेघर आदमी बना दिया। जीवन से प्रेम करने वाले व्यक्ति को एक सन्यासी का जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया। मैं कोई बहुत ज़्यादा गुणी या आत्मत्यागी प्रकार व्यक्ति नहीं हूँ, पर मैं जानता था कि लोग अपनी गरीबी और सीमित आज़ादी को जीने की अनुमति नहीं है तो मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं। आज़ादी हमेशा अभाज्य, यानी उसको इंडिविजिबल, मतलब उसको भाजित नहीं किया जा सकता, उसको भाग देकर छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं किया जा सकता। यदि किसी एक व्यक्ति, मेरे जैसे किसी एक व्यक्ति के हाथों में हथकड़ियाँ हैं, इसका मतलब वो हथकड़ियाँ सब पर हैं, मेरे लोगों की हथकड़ियाँ मेरे ऊपर हैं। नेक्स्ट देखें बच्चों, आई न्यू दैट द ऑपरेजर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। A man who take away another man's freedom is a prisoner of hatred. This is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. अब मंडेला जी क्या बोल रहे हैं ये देखेंगे हम, है ना। तो वो क्या कह रहे हैं कि मैं जानता था ऑपरेसर यानी उत्पीड़क, और ऑपरेस्ड का मतलब होता है उत्पीड़ित, यानी जो परेशान होता है वो ऑपरेस्ड हो जाता है, और ऑपरेसर यानी उसको परेशान करने वाला या उत्पीड़ित करने वाला। तो कहते हैं मुझे पता था, आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैंस फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। He is a lock behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. Just as surely as I am not free when my freedom is taken away from me.
द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक द रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमेनिटी। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि जो उत्पीड़क है, जिसने क्या करते हैं, जिसने दूसरों का शोषण किया है, जिसने जिस दूसरे को परेशान किया है, तो वो उत्पीड़क भी बिल्कुल वैसे ही बंधा हुआ है, उसी प्रकार से आज़ाद नहीं है या आज़ाद करना चाहिए उसको भी, जैसे कि वो उत्पीड़क को करता है। अर्थात उत्पीड़क और उत्पीड़ित दोनों को आज़ाद करना चाहिए, उनको आज़ाद रहना चाहिए। एक व्यक्ति जो दूसरे की स्वतंत्रता को छीनता है, मतलब हम सोच रहे हैं कि हमने उसकी स्वतंत्रता छीन ली तो हम आज़ाद हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक व्यक्ति जो दूसरे की स्वतंत्रता को छीनता है वो स्वयं घृणा का कैदी हो जाता है, वो खुद घृणा के पात्र हो जाता है, और वो कहाँ बंद हो जाता है, एक संकीर्ण मानसिकता वाली जेल में बंद की तरह दिखाई देता है। मैं भी स्वतंत्र रूप से फ्री नहीं हूँ, मैं भी आज़ाद नहीं हूँ, यदि मैं जब तक आज़ाद नहीं हूँ यदि मैं किसी दूसरे की स्वतंत्रता को छीनता हूँ, मतलब एक दूसरे की स्वतंत्रता को छीने बिना जीने की आदत होना चाहिए। जस्ट श्योरली आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। वो कहते हैं कि अगर मैंने किसी की स्वतंत्रता छीनी तो मैं भी किसी परतंत्र व्यक्ति की तरह हूँ, यदि जैसे मुझसे भी स्वतंत्रता छीन ली गई हो। ये बहुत समझने वाली बात है बच्चों, कि कोई भी व्यक्ति जब तक स्वतंत्र है, कोई भी व्यक्ति जब तक है तब अच्छा रहेगा, जब तक कि वो सामने वाले को भी स्वतंत्र और अच्छे ढंग से रहने को करेगा। यदि एक दूसरे पर हम हानि पहुंचाएंगे, शोषण करेंगे, तो हम एक दूसरे की नज़रों में ही कैदी और परतंत्र बनकर रहे आएंगे। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमेनिटी। अर्थात उत्पीड़क जो परेशान कर रहा, उत्पीड़ित जो परेशान हो रहा, वो दोनों ही मिलकर के मानवता का पतन करते रहते हैं। अर्थात मानवता का पतन करने में ये दोनों सहायक हैं, इसलिए ना तो किसी को उत्पीड़ित करना चाहिए और ना ही अपने आप को शोषण या उत्पीड़ित करने देने का अधिकार देना चाहिए। दोनों को ही ये काम करना नहीं चाहिए, इसके विरुद्ध आवाज़ उठाना चाहिए। तो बच्चों, ये था हमारा चैप्टर नंबर 2। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।